हेलो दोस्तों, बात करते हैं उत्तराखंड में प्राथमिक स्कूल लगातार बंद हो रहे हैं। ऐसे में जो है बेरोजगारों के लिए बहुत बड़ी मुश्किल सामने आ सकती है भर्ती के रिगार्डिंग, क्योंकि यहाँ पर अब प्राइमरी लेवल के स्कूल के जो भर्तियां हैं वो अब नहीं भी आ सकते हैं आने वाले समय में। क्यों ऐसा चलिए जानते हैं पूरी जानकारी पूरी रिपोर्ट के बाद। उत्तराखंड में लगातार स्कूलों की संख्या यहाँ पर कम होती जा रही है क्योंकि स्कूल बंद होते जा रहे हैं, छात्र संख्या लगातार कम हो रहे हैं। ऐसे में यहाँ पर अब लगभग 1631 सरकारी स्कूल जो हैं उन पर ताला लग चुका है, यानी कि अब इतने स्कूल बंद हो जाएंगे, वहाँ पर जो शिक्षक थे वो अन्य जगह पर मर्ज कर दिए जाएंगे। साथ ही यहाँ पर जो है उन विद्यालयों को अब सरकारी जो नए आंगनबाड़ी केंद्र हैं या होम स्टे हैं, अन्य रूप में या पंचायत नगर घर है उन पर यूज किया जाएगा। अब ये जितने भी स्कूल है ना, ज़्यादातर आपके प्राइमरी लेवल के हैं, प्राइमरी स्कूल ही बंद हो रहे हैं आपके, क्योंकि छात्र संख्या नहीं आ रहे हैं। कई जगह एक है, कई जगह दो है, कई जगह तीन है, तो लगभग लगभग इतने बंद होने के कगार पर आ चुके हैं। और इसमें टोटल अगर बात करूँ तो पहले से भी यहाँ पर जो है 3,000 से ज़्यादा बंद होने के कगार पर है। इसमें से इतने तो ताले लग चुके हैं, और 3,000 से ज़्यादा और ऐसे स्कूल है जहाँ पर ताले लग सकते हैं जल्दी, क्योंकि यहाँ पर एक दो छात्र संख्या ही बताए गए हैं। और इन पर जो छात्र संख्या नहीं होने की वजह से 1671 स्कूल ऐसे हैं जो प्राइमरी लेवल के बंद हो चुके हैं। अब इन स्कूलों में क्या किया जाएगा, शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया है, यहाँ पर कहा है कि राज्य के सभी जो जिलों में बंद हो चुके सरकारी विद्यालय की रिपोर्ट मांगी गई है, कहाँ पर कितने बंद रुके हैं उसकी रिपोर्ट मांगी जा रही है। बंद हो चुके विद्यालय का इस्तेमाल आंगनबाड़ी केंद्र है, होम स्टे है और ANM सेंटर है और पंचायत घर के रूप में किया जाएगा, जिससे यहाँ पर उपलब्ध भवन को इस्तेमाल होने से जनता को फायदा होगा। ऐसा बंसल तिवारी महानिदेशक शिक्षा महानिदेशक के आदेश जारी हो चुके हैं। तो देखते हैं यहाँ पर कई स्कूल्स ऐसे हैं जो अब बंद हो चुके हैं, लेकिन इससे आने वाले समय में क्या होगा कि भर्तियाँ भी कम मिलेंगी, स्कूल कम है, सिंपल सी बात है, शिक्षक कम चाहिए होंगे, शिक्षक कम चाहिए भर्तियाँ कम आएंगी, तो प्राइमरी में आने वाले टाइम में शिक्षकों की भर्ती बहुत कम आएगी, क्योंकि अन्य शिक्षक भी मर्ज किए जा रहे हैं, वो अन्य स्कूलों में चले जाएंगे जो अभी वर्तमान शिक्षक में, क्योंकि यहाँ पर इतने स्कूल बंद हो चुके हैं। इसका मतलब क्या है भाई, सीधी सीधी बात, स्कूल बंद तो वहाँ टीचर जाएगा नहीं, अन्य जगह पर जो सरकार कार्यरत है अभी अन्य जगह पर उसको मर्ज कर दिया जाएगा। बाकी जो नई भर्तियाँ हैं वो उसमें तो समय लग सकता है, या आपकी हो सकती है बहुत कम भर्तियाँ निकले आगे आने वाले समय में, तो दिक्कत तो है ही, छात्र संख्या कम है, शिक्षक कम मिलेंगे, कम भर्तियाँ होंगी, रोजगार भी कम होंगे। सिंपल सा लॉजिक आप देख सकते हैं।